नमस्कार सभी प्यारे किसान साथियों को, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज फिर हम देखो एक पपरल के प्लॉट में आए हैं और यह है पहले साल का पपरल का प्लॉट है। देख सकते हो आप, इसमें जो गन्ना छोड़कर वो इसको खाली रख दिया गया है, ना कल्टीवेशन की गई इसकी, क्योंकि जो मुंडी है वो रखी जाएगी इसमें दूसरे साल। उसके बाद जो है इसमें खाद पानी वो दे दिया जाएगा, जो घास है उसकी छटाई इसमें से कर खाद पानी डाल दिया जाएगा, जिससे कि बरसात के मौसम में जो है पपरल के पेड़ में वो अच्छे से खाद पानी मिलता रहे। और किसान साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जो सामने प्लॉट है 111 का प्लॉट है और इस पर जो है देखो अभी नए पत्ते आए हैं, कितने खूबसूरत ये वो पूरा का पूरा प्लॉट वो लग रहा है। लगभग मैंने बोला था कि 30 मार्च तक सभी पेड़ों पर वो पत्ते आ जाएंगे, तो आप देख सकते हो अभी 28 मार्च है, तो आप पूरे के पूरे प्लॉट पर देख सकते हो पत्ते आ गए हैं। 111 के जो खेत है उसकी पहले साल थोड़ी सी देख रेख वो अच्छी करनी पड़ती है, क्योंकि जो पहले साल ही उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है गिरने की, और वैसे तो कोई और प्रॉब्लम नहीं आती। अभी देखो हम आगे लेकर चलते हैं, देख सकते हो आप सामने कितना शानदार ये पेड़ वो मोटाई वो ले रहा है। देख सकते हो पूरा का पूरा प्लॉट ऐसे ही है। देखो अभी हम बाइक पर चलेंगे अपनी, ये देख सकते हो आप पूरे के पूरे खेत को। और किसान साथियों देखो आप, ये देख सकते हो शायद ये 112 का पेड़ हमें लग रहा है, पर चलो कोई दिक्कत नहीं, पर इसकी जो मोटाई है वो 15 इंच से भी प्लस हो रही है। और मैं इसमें जो है बरसात के मौसम में वीडियो बनाऊंगा, तब आप देखना कि कितना शानदार ये प्लॉट, लगभग ये ज़्यादा तो नहीं, 111 का 50 बीघे और 109 का भी 50 बीघे, 100 बीघे के आसपास ये जो टोटली है पपरल का प्लॉट है। ये देखो जो है कितना शानदार ये प्लॉट वो खड़ा है, और पूरे के पूरे जो है प्लॉट में वो पपरल गन्ने की मुंडी को छोड़ दिया है। तो आप भी यदि आपके पास बड़े एरिया में आप पपरल खेती करना चाहते हो, तो उसमें दो पहले साल गन्ना बोएं, दूसरे साल उसमें गन्ने की मुंडी को आप छोड़ सकते हो, और तीसरे साल आप उसकी गेहूँ बोकर कल्टीवेशन भी करवा सकते हो, मतलब कल्टीवेशन को हार्वेस्टिंग, यानी आप उससे जो पैदावार वो ले सकते हो, कटवा कर अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हो। ये देख सकते हो आप सामने, और बरसात के मौसम में जो है इसमें आप NPK खाद डाल सकते हो, और अभी जो है देसी खाद भी इसमें डाल सकते हो, जो है देसी खाद डालकर इसमें जो है पानी की उचित मात्रा का ध्यान रखें, जो है पानी की खुश्की ना लगे, नहीं तो जो है आपके जो पेड़ है वो सूखने की संभावना है वो ज़्यादा रहेगी। सबसे ज़्यादा कमी जो है वो पानी की रहती है। ये देख सकते हो आप, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और अभी कुछ और समस्याएं होंगी आपकी उसके बारे में भी बताना, लेकिन पेड़ों की खूबसूरती को आप देख सकते हो।